हाँ हाँ आ जाऊंगा, हाँ हाँ आ जाऊंगा जल्दी, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। हाय सर। बैठो बैठिए। हाँ तो बैठेंगे, बुफे थोड़ी चल रहा है। हाँ नहीं नहीं मैं यही हूं, मैं यही हूं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गहरी सांस लेती रहो। हाँ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ मैं आता हूँ आता हूँ आता हूँ। कौन है ये? मामा। क्या नाम है इनका? टीटू मामा। कहाँ से आए हैं? इंदौर। क्या काम करते हैं? बे वाया क्या बात कर रहा है, फेस टू फेस बात कर रहा है, गूंगा दिखता हूँ क्या मैं? क्या काम करते हैं? अंदर बाहर। अच्छा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। चाकू चाकू वसूली। ओह नो। पक्का मामा ही है ना? पिछली बार चाचा बोल के अपने दोस्त को ले आया था वो समीर को। अरे बेटा गलत बात, गुरुजी हैं वो, गुरुजी से झूठ नहीं बोलते, जो कुछ है सच बताओ। क्या बताओ? सच। आप तो असली मामा है ना, या फिर नकली मूछ लगा रखी है? खींच के देख, खींच खींच। खींचना। सुन बे पिलपिली गांड, तेरी इस मीटिंग के लिए मैं अपना बहुत जरूरी काम छोड़ के आया हूँ, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन मत कर, वरना मैं ऐसी जगह का बाल खींचूंगा सारे अखरोट जमीन पर गिर जाएंगे। क्या गिर जाएंगे? अखरोट जमीन पर। तो बात दरअसल ये, क्या लाए आज? डंकिन डोनट। डंकिन डोनट, वाह बजट बढ़ गया तुम्हारा। पर जब मैं अपने लिए खाने को मंगाता हूँ तो मेरे लिए अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन लाके रख देते हैं सामने। केले के साथ जलेबी, गुलाब जामुन के साथ मूंगफलियाँ। जब मैं स्कूल में पहली दफा आया था तब मैं ऐसा था, अब इन सबने मुझको ऐसा कर दिया है। हेलो। हाँ हाँ गहरी सांसें लो, धीरे धीरे, आराम से आराम से। यही होगा भी सिखाते हैं? नहीं नहीं बीबी लेबर में है मेरी। मैं शर्म नहीं आती अपनी बीबी से मजदूरी कराते हुए? अरे लेबर मतलब पेट से है, प्रेग्नेंट है। फिर से? मतलब सर के ऑलरेडी दो बच्चे हैं। मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरा स्टेमिना, तुझे क्या दिक्कत है? मैं सरकार इतना प्रचार कर रही है आबादी रोकने का, जगह जगह कैंपेन चल रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं, इतना पढ़े लिखे होकर तुम्हें तो समझना चाहिए गवर्नमेंट का मोटो है बच्चे दो ही अच्छे हैं। जब बीवी का मूड होता है ना तो ये मोटो होटो तक नहीं आ पाता। और तुम मेरी निजी जिंदगी में दखल मत दो, नीचे से बहुत कंप्लेंट आ रही तुम्हारी, नीचे वाले फ्लोर से। म्यूजिक का टीचर परेशान है इनसे, उसने इन सबसे कहा कि मेरा गाना सुनो तो सब उसके पिछवाड़े पे कान लगाने के लिए उसके पीछे भागने लगे। सर उन्होंने ही कहा था हमारा गान सुनो। अरे गान सुनो, गाना बंगाली है वो। What? ये लोग राग भैरवी को राग भड़वी कहते हैं। अरे क्लास में घुसते टाइम बच्चा पूछता है मैडम मैं कम इन, ये कहते हैं बोलना आंटी आऊं क्या। अरे आंटी है वो, टीचर है वो, सौंट मैं लगाऊं? अरे चाट पापड़ी बेच रही है क्या वो? स्कूल वाले हर स्टूडेंट की फैमिली काउंट कर रहे हैं एनुअल डे इनविटेशन के लिए। जॉइंट फिल्टर तो लाया नहीं मैं। अरे जॉइंट फैमिली है। तीन है तीन है तीन है तीन है। ये गुल खिला रहा है आपका भांजा, पूरा दिन स्कूल में मे बनाता रहेगा। मम्मे मीम मीम मीम। योगा टीचर ने इससे पूछा कि एक पैर पे खड़े होने का फायदा क्या है, तो कहता है आप आसानी से अंडरवेयर पहन सकते हो। जिस क्लास में जाता है हर बेंच पे अपना नाम लिख देता है, भुवन वॉज हेयर भुवन वॉज हेयर। अरे तू कोलंबस है क्या जो दुनिया को बताएगा कि मैं यहाँ आया था? ये क्या तरीका स्कूल में पेश आने का? तुम्हारे माँ बाप इतना पैसा खर्च करके तुम्हें स्कूल में भेजते हैं ताकि तुम बढ़िया एजुकेशन ले सको, टीचर को तंग करते हो? ये तो फरिश्ता निकला, इन बच्चों की और शिकायत करता हूँ। और तू सुन बे चिलगोजे, बच्चों की बहुत कंप्लेंट आ रही है, स्कूल चला रखा है हिटलर कैंप, इतना सारा होमवर्क देते हो, एक पेज नहीं दो पेज नहीं पूरे पूरे चैप्टर पढ़ाने का मन नहीं करता क्या? बच्चे करने होते हैं ना। अभी हमारे सामने ये डोनट टट्टे खा रहा है, जब दूसरे पेरेंट आएंगे उनके साथ कुछ और खाएगा। फुलेस चल रही है क्लास में भी, कभी समोसा आ रहा है, कभी कचौड़ी आ रही है, पेप्सी आ रही है, सारा स्कूल है कि मास्टर शेफ इंडिया, और बच्चों को खाने के लिए केवल आधा घंटा। अरे तुम्हारी रिसेस ब्रेक में बच्चे सबसे पहले पेशाब करने भागते हैं, और इतनी भीड़ में इनका नंबर आते आते 15 मिनट तो वैसे ही हो जाते हैं, खाएंगे कब? और संडास में साबुन क्यों नहीं है, बच्चे हाथ कैसे धोएंगे? सुन बे अच्छा ये तेरा काम, रोज सुबह संडास में साबुन की टिक्किया रखेगा, और अगर एक भी दिन चूका तो वही टिक्किया तेरी गांड में फिट कर दूंगा। हागने बैठेगा तो पहले झाग निकलेगा, क्या निकलेगा? झाग। स्कूल में सिक्योरिटी है, स्कूल में सिक्योरिटी। अरे घंटा सिक्योरिटी, अभी कॉरिडोर में आते हुए देखा मैंने, दोनों सीसीटीवी एक दूसरे को देख रहे, आज की चल रही उनकी। ये आजकल के बच्चों को हिंदी बोलने में शर्म आती है, हमारा कल्चर ही भूल गए हैं। पता नहीं कौन से गंजेड़ियों के कॉन्सर्ट में होके आए हैं पिछले हफ्ते। सर उनका सिर्फ नाम चेन स्मोकर है और हिंदी हमें अच्छे से आती है। अच्छा कोई ऐसा मुहावरा बता दो जिसके अंदर दो शरीर के अंगों के नाम आते हैं, जैसे हाथ पैर मारना, बिना सर पैर के बात करना जो तुम करते हो, कांड में उंगली करना, कांड में उंगली करना। क्या सेम? क्या उंगली करना, क्या बोल रहे हैं आप? सही तो बोला। इन्हें इंजीनियर्स की लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखने को बोला तो जट्टू इंजीनियर देख के आ गए।
कहते हैं सर पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, अगर इस देश में नोट छापने हैं तो बाबा बन जाओ और तरक्की करो, या तो फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की चापलूसी में घुस जाओ। ए बेटा ये सब फालतू की बातें हैं, इंसान को सफलता उसकी मेहनत दिलाती है, एक दूसरे के टट्टे तो कुत्ते भी चाटते हैं, सही बोला कि नहीं? हेलो, हाँ क्या हुआ? वाटर ब्रुक। पानी कैसे टूट सकता है, वो तो लिक्विड है। सर्जन कहाँ से लाऊं? अरे हमसे बड़ा सर्जन कोई पैदा नहीं हुआ। सर्जन हाँ नमस्ते भाभी, टेंशन मत लो, हम आ रहे हैं, गहरी सांसें लेती रहो। अरे डॉक्टर विक्टर का क्या करोगी, बड़ा बिल बना देगा वो, हम आ रहे हैं। अरे वसूली के चक्कर में मैंने कई लोगों के अंदर हाथ घुसा के अंतड़ियां निकाली, ये तो फिर भी बच्चा है, कॉर्पोरेट कर लेगा, हाथ दे देगा अपना। अरे पागल हो गया क्या? अरे मुंडी विंडी पकड़ लेंगे, टेंशन मत लो। तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं बस एम्बुलेंस लेके आ रहा हूँ, बस टेंशन मत। नहीं तो काली मिर्च सूंघ लो, ऐसी छींक मारोगी बच्चा सीधा एक टप्पे में बिस्तर पे। अरे पागलों का परिवार है ये। ए बेटा अभी जा मत, अभी टीटू यहीं पे है, मैं आज तक किसी को सब्सक्राइब करने को बोला नहीं और ना बोलूंगा, जिसको पसंद आएगा देखेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा नहीं देखेगा। पर एक जरूरी बात है, मेरा भांजा भुवन बाम अपना पहला इंडिया टूर बीबी इंडिया टूर करने वाला है, और पहली दो सिटी है पुणे और देहरादून। पुणे में है आयरिश विलेज ब्रियोरी और देहरादून में है होटल सैफरन लीफ का क्यूपिड लॉन। पुणे में है शो 23 सितंबर को और देहरादून में है 24 सितंबर को, टिकट है बुक माय शो पे। पुणे और देहरादून के बच्चों जाके शो देख के आओ, ये जिंदगी के असली मजे हैं। चार दीवारी में क्या करते होगे मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो, लेकिन देख के आओ, ये जिंदगी के असली मजे हैं। बुक माय शो पे टिकट खरीदो, टिकट का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाओ मस्ती करो, बहुत बढ़िया काम करता है लड़का, मैं तो बता रहा हूँ, अपने सबको बता दिया, वो कविता भी क्या लग रही थी उस दिन, पर जाके देख के आओ बेटा, मजा बन जाएगा जिंदगी का, याद करोगे याद, और मेरे को दुआएं दोगे अलग से, क्योंकि मुझे दुआओं की बहुत जरूरत है। क्या जरूरत है?